झुका जो सर हनुमान के चरणों में, फिर वो कभी झुका नहीं। थमा हाथ जो महादेव ने जिसका, वो हमेशा बढ़ता रहा, कभी रुका नहीं। जय हनुमान। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है छत्तीसगढ़ के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम सिद्धेश्वर पटलाना है। दोस्तों, सिद्धेश्वर जी बताते हैं कि बचपन से ही वह हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और हनुमान जी का नियमित रूप से ही रोज पूजा पाठ करते रहते हैं। और तो और, उनका पूरा गांव हनुमान जी का पूजा पाठ करता है। हनुमान जी की कृपा से उनके गांव के सभी लोगों को कभी भी कोई जिंदगी में परेशानी नहीं आई। दोस्तों, एक बहुत छोटे ही गाँव से मैं ताल्लुक रखता हूँ। गाँव में सुविधाओं का बहुत ही अभाव है। अभी भी हमारे गाँव में सड़कों का विस्तार नहीं हुआ है। गाँव में आज भी बहुत ही बारीक और कच्ची सड़कें हैं, जिसके कारण आज भी हमारे गाँव में बस की सुविधा है, लेकिन बहुत कम। अगर हमें यहाँ से शहर जाना होता है तो हमें काफी पैदल चलकर गाड़ी बुक करनी पड़ती है। वहीं दोस्तों, मैं ड्राइवर का काम करता था, इसीलिए जब भी मेरे परिवार को कहीं बाहर जाना होता था, मुझे गाड़ी बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं अपनी जॉब से बहुत खुश था और प्रभु की कृपा से सब एकदम बढ़िया चल रहा था। दोस्तों, बात सन 2009 की है, जब मैं और मेरा परिवार अपने किसी रिश्तेदार के घर उनकी लड़की की शादी में जा रहे थे। मैंने अपने मालिक से पूछकर एक दिन की छुट्टी ले ली थी और गाड़ी भी मांग ली थी। दोस्तों, मेरे मालिक के पास बहुत सी गाड़ियां हैं और उन्होंने मुझे टाटा सफारी गाड़ी दे दी थी और वो एकदम अभी नई की नई थी। और बोले, सिद्धेश्वर सुबह यात्रा में आराम से जाना। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मालिक ने मुझे मेरी फेवरेट बड़ी गाड़ी दे दी थी ताकि मैं अपने परिवार के साथ आराम से शादी में जा सकूं। शाम को 6 बजे हम सभी घर से निकल गए। उनका घर थोड़ा दूर था, इसीलिए हम घर से जल्दी निकल गए थे। यहाँ से करीबन 3 घंटे का सफ़र था और हम सभी हंसी मजाक करते हुए सफ़र का आनंद ले रहे थे। अचानक से हमारी गाड़ी पे एक बहुत तेज का झटका लगा और गाड़ी रुक गई। गाड़ी से बाहर जाकर देखा तो एकदम सुनसान सा जंगल था, आसपास एकदम शांति हो रखी थी। बोलते हैं ना दोस्तों, अगर किस्मत खराब हो तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था। आसपास पूरा अंधेरा, मेरी गाड़ी किसी बड़े से गड्ढे में फंस गई थी। बहुत कोशिश की मगर गाड़ी बाहर नहीं निकल पाई। मैंने अपने परिवार के लोगों को ये बात बताई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इस जंगल के बीच में नेटवर्क की भी दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से मैं किसी को भी फ़ोन नहीं कर पा रहा था। 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया था मगर हमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो हमारी मदद कर सके। अगर हम लोगों को रात को कोई मदद नहीं मिल पाती तो हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं था और बच्चे भी बार बार भूख की वजह से रो रहे थे। आखिर मैं करता भी क्या करता। एक सुनसान जंगल में काफ़ी मशक्कत करने के बाद जब मैंने हार मान ली तो मैंने भगवान हनुमान जी की आराधना शुरू कर दी और उनका बीज मंत्र गाने लगा। ओम ह्रीम हनुमन्ते नमः, ओम ह्रीम हनुमन्ते नमः। कुछ पल बाद मैंने देखा कि कोई बड़ा सा ट्रैक्टर हमारी तरफ आ रहा है। मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर उतरा और ट्रैक्टर वाले को हाथ देने लगा। हाथ देकर वो ट्रैक्टर वाला रुक गया। वो ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर से उतरकर मेरी तरफ आने लगा। मुझे उसे देखकर डर लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काफी दिनों से उसने अपना मुंह नहीं धोया। बड़े बड़े बाल, साधु जैसे कपड़े देखकर मैं हैरान रह गया। वो मेरी गाड़ी के पास आकर मेरी मदद करने लगा। मदद करने के बाद जब मैंने उसे धन्यवाद बोलने लगा तो मेरी पत्नी गाड़ी के अंदर से तेजी से आवाज में बोली, क्या हुआ, किससे बात कर रहे हो? मैं हैरान होकर पूछने लगा, ट्रैक्टर वाले से जिसने हमारे गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकालने में मदद की है। इतने में वो ट्रैक्टर वाला आदमी न जाने कहां अदृश्य हो गया। मैं बहुत हैरान हो गया। उस पल मैं ये सोचने लगा, कहीं वो कोई आत्मा तो नहीं थी? आखिर कौन था वो जो मेरी मदद के लिए आया था? वो कोई और नहीं बल्कि दोस्तों, स्वयं हनुमान जी थे। मैंने दिल से हनुमान जी का धन्यवाद किया और अपनी आगे की यात्रा शुरू की। शादी में पहुंचकर मैंने ये बात अपने सभी रिश्तेदारों को बताई। मन ही मन खुश हुआ क्योंकि आज मेरा जीवन सफल हो चुका था। स्वयं हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए थे, लेकिन किसी ने भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि ये बस मेरी मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन दोस्तों, ये मैं आपसे साझा कर रहा हूँ क्योंकि ये असलियत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें।